हेलो गाइस, आज आपको दिखाते हैं हम अपना गांव एक बार फिर। जब हरियाली पूरी छा चुकी है हमारे गांव में, क्योंकि हमारे खेत बहुत हरे हो चुके हैं और हमारे जंगल भी बहुत हरे हो चुके हैं। आसमान बहुत साफ है, धूप बहुत तेज है, खेतों में पसीना बहुत आ रहा है हमें चलने में। तो हमें सोचा आज एक ब्लॉग शूट किया जाए, जब हमारे धान लगे थे उस समय का, जब धान हल्का से जब लग गए थे बगल वालों के उस समय भी, और आज जो है धान हमारे पूरे हरे हो चुके हैं। ये देखिए, अगर आपको हम धान दिखाते हैं अपने, अगर आप धान दिखाएं ऐसे करके, ये देखिए धान धान पूरे हमारे सफ़ेद एकदम बिल्कुल हरे हो चुके हैं। जो ये रोड थी, इस रोड में पहले हल्का सा कीचड़ था, तो ये रोड भी पूरी सफ़ेद हो चुकी है, एकदम साफ हो चुकी है। और ये है गांव का, जहाँ धूप बहुत तेज है, आज बहुत तेज धूप है। ओ वहाँ सामने देखो, वहाँ पर कुछ लोग कुछ देख रहे हैं, शायद वहाँ पे कुछ सांप आप बता रहे, कुछ सांप आया है, इस वजह से उसकी घात पे बैठे हुए हैं। और ये हमारे गांव का कुछ दृश्य है, देखिए हमारे खेत देखिए कितने हरे भरे, कितने अच्छे हो चुके हैं। और ये यहाँ पर ये रोड साइड का एरिया है, और ये पेड़ है पुराना, जहाँ पे हम बचपन में आम खाया करते थे। इस आम के पेड़ में, जब हमारे पेड़ घर पे आम के पेड़ थे, तब इस पेड़ में हम आम खाते थे। और ये देखिए गुरु गाइस, ये मेरा मकान है, काफ़ी टाइम से ऐसी है, कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि ऐसा काम अभी चल रहा है। बाहर से पेंट इसलिए नहीं किया कि बरसात लगी है, बरसात की वजह से पुट्टी खराब ना जाए, पेंट खराब ना जाए, इस वजह से नहीं कर रखा। अभी अंदर का पेंट चल रहा है फिलहाल, बीच वाली जो विंडो है उस पर। और मेरे घर से भी पहाड़ का नज़ारा ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे अभी हल्की धुंध छाई हुई है, तो इस वजह से उतना वो नहीं हुआ है, पहाड़ उतने साफ नहीं दिख रहे हैं, बादल बादल आए हुए हैं, ऐसा मेरे घर का नज़ारा है। तो उसकी धूप है, तेज देखिए बहुत तेज है, तो पसीना आया हुआ है भाई। मैं भी देखने गया था वहाँ दूरी पे, हम देखें तो अभी हम हमारे ये आ गए हैं मिस्त्री साहब, जिनने हमारा मकान को बनाया था। मकान का व्यू है, ये बैक साइड से व्यू है, अभी हम फ्रंट से दिखाएंगे आपको, फ्रंट से कैसा लगता है ऐसे करके। वाली उपज बड़ी गे सारी हो, 30x40 माँ, अरे 1200 स्क्वायर फीट माँ, हो 30x40 माँ, अरे 1200 स्क्वायर फीट माँ, मगन चेला बारी कथा गयो पहाड़, अरे गयो पहाड़ कथा गयो पहाड़। प्यार वालो कौवा पंख कटी के सारी, उसड़ी प्यार वालो कौवा पंख कटी के सारी, अरे 30x40 माँ, अरे 1200 स्क्वायर फीट माँ, हो 30x40 माँ, हाँ 1200 स्क्वायर फीट माँ, मगन चेला बारी कथा गयो पहाड़, हरे गयो पहाड़ कथा गयो पहाड़, हरे गयो पहाड़। पेंट चल रहा है हमारे, ये पंकज पेंटर साहब हमारे, और ये इनका दरवाजे का पेंट है। देखो दरवाजे का, हमने गोल्डन से इनसे कहा था कि पीला कलर करना है, तो इन्होंने पीला कलर किया है, बहुत सफाई से किया है। और क्योंकि ध्यान दिया गया है, इनसे कहा कि जो ये दरवाजे हैं इस पर हैंडल पे ना लगे, क्योंकि ये प्रीमियम है, तो उसमें अगर हैंडल में पेंट लग जाएगा तो दिखेगा नहीं, इस वजह से इन्होंने बहुत सफाई से इसे काम कर रहे हैं। अंदर से दिखाते हैं ऐसे करके, ये देखिए कारीगरी देखिए, और बहुत ध्यान से लगे हुए हैं, जूम करके दिखाते हैं आपको। जब भी पेंट पूरा लग जाएगा, तो पेंट लगने के बाद किसी से सफाई करेंगे इसे, तब ताकि वो होगा।
इसमें प्राइमर साफ करना रहेगी, प्राइमर साफ करने में इसकी कलाई उतर जाएगी। और यहाँ पर लगभग इस कमरे में पेंट हो चुका है, इस कमरे में नॉर्मली पेंट किया है हमने गुलाबी, और यहाँ पर ये हल्का हल्का हल्दी कलर टाइप का, और ये फैन चल रहा है यहाँ पर। ओके, ये मेरे कमरे के बाहर से नज़ारा आ रहा है, ऐसा लग रहा है। ये मेरे कमरे के बाहर का नज़ारा है, और इस तरीके से सब काम चल रहा है इसमें। ये डॉगी है हमारा, और यहाँ पर अभी ये मकान का चल रहा है। अगर हम अपने इस वाले कमरे से दिखाएं, इस वाले कमरे से व्यू, जो पहाड़ का व्यू है यहाँ से ऐसे दिखेगा। ये देखिए ऐसा व्यू दिखेगा हमारा यहाँ से पहाड़ का। और ये दरवाजे में भी पेंट होना है। लगभग किचन का काम अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है समझो कि, यहाँ पर अभी किचन का लगना है उसका, और यहाँ पर बोर्ड वोड लग चुके हैं। ये गीज़र का इसका बटन है, गीज़र का बटन, अभी लाइट नहीं है इसमें जल नहीं रहा है। और दूसरा हम दिखाएं यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर तो सीढ़ी बनी है, सीढ़ी में भी रेलिंग लगी है, रेलिंग वाला मिस्त्री साहब कल तक आएगा। हमारा बाथरूम है, बाथरूम के यहाँ लाइट जला रखी है मैंने, लाइट जली भी। ये बाथरूम का देखिए, बाथरूम का ऐसा है नज़र, अभी कम्प्लीट नहीं किया है बाथरूम, खाली ऐसे सामान वामान रखा हुआ है। ये देखो, ये जो अंदर का सफाई से टैल वाला करके गए हैं, और ये इतने गंदे पैर लेके आए हैं, अंदर पूरा गंदा कर दे रहे हैं, इतने गंदे पैर लेके कहाँ से घूम घाम के आया है, फिर उसके बाद ऐसे बैठ जा रहा है। अच्छा, क्यों आप सीधे छत के ऊपर चले जाएगा? ये अच्छा, नीचे अभी ऊपर गर्मी उतर नहीं जाएगा। दूर से इस टाइप से व्यू आता है। ये हमारी गैया है, गैया यहाँ देखो, गैया ये दूध देती है, यहाँ को देखो किस कर देंगे, कैमरा खराब कर देंगे। ये देखिए यहाँ से मेरा मकान है, ये पुराना हमारा पुराना मकान है, जो ये नया बना है ये वाला है, ये हमारी गौशाला होगी यहाँ पर अंदर, ये गौशाला है। ये इंटरेस्ट हो गया, अगर ये बाथरूम है, अब यहाँ पर काफ़ी सारा काम होना है। दूसरा डॉगी मेरा ये है, ये थोड़ा सयाना हो चुका है बहुत, और ये बच्चे यहाँ घूम रहे हैं। जी मेरा मकान का व्यू ऐसा है, ऐसे करके ये है मेरे मकान का ओवरऑल व्यू। बस चले गया,